नमस्कार, सीजी न्यूज प्लस 24 में आपका स्वागत है। सबकी बात सच के साथ, तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। मोदी की काशी में राहुल गांधी बोले, रद्द करेंगे अग्निवीर, 5 जुलाई को खाते में खटाखट रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संयुक्त जनसभा को संबोधित किया। राहुल ने कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही अग्निवीर योजना रद्द कर देंगे। मोहन सराय के गंगापुर इलाके में मंगलवार की शाम परिवर्तन संकल्प रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने अमीरों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए और बनारसी साड़ी और पान बनाने वालों पर GST लगा दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा अच्छे दिन नहीं ला सकी, मगर इंडिया गठबंधन खुशियों के दिन लाने का वादा करता है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर रखा, जनता से कहा कि बनारस में अजय राय की लड़ाई प्रधानमंत्री से नहीं बल्कि सिर्फ नरेंद्र मोदी से है, और कहा कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश के 22 से 25 लोग अमीर रहे और बाकी जनता गरीब रहे, जबकि हम चाहते हैं कि गरीबों का भी कर्ज माफ हो, किसानों को न्याय और युवाओं को रोजगार मिले। वादा किया कि 4 जून को सरकार बनने के ठीक एक महीने बाद 5 जुलाई को लोगों के खाते में खटाखट 8,500 रुपए पहुंच जाएंगे। हर गरीब घर से एक महिला चुनी जाएगी और महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत साल के 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सेना में जाकर देश सेवा के लिए हमारे युवा दिन रात मेहनत करते थे, इसे भी भाजपा ने आधा अधूरा कर दिया। उन्होंने कहा कि 10 साल पीछे मुड़कर देखते हैं तो जनता को सिर्फ धोखा मिला। माँ गंगा साफ नहीं हुई, बजट साफ हो गया, जिस गांव को गोद लिया उसका नाम भी याद नहीं। काशी को क्योटो बनाने का वादा भी पूरा नहीं हुआ और कहा कि अच्छे दिन तो भाजपा नहीं ला सकी, मगर इंडिया गठबंधन वादा करता है कि खुशियों भरे दिन जरूर आएंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सीजी न्यूज प्लस 24।